नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना काल के दौरान लोग अब लापरवाही बरतने लगे हैं। इसे देखते हुए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लोक पंचायत ने विकास नगर बाजार समेत आसपास के क्षेत्र में बाइक रैली के माध्यम से लोगों को कोरोना काल के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। कार्यक्रम में सूचना विभाग के डायरेक्टर KS चौहान समेत कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। बताते चले कि जौनसार बावरे मूलभूत समस्याओं के निस्तारण के लिए लोक पंचायत पिछले 4 सालों से कार्य कर रहा है। स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वीर शहीद केसरी चंद को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। वीर शहीद केसरी चंद स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों के चलते फांसी पर लटका दिए गए थे। स्थापना सप्ताह है और इसके अतिरिक्त जो जौनसार बाबर के वीर शहीद केसरी चंद जी उनका जन्मोत्सव है और साथ ही जो भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का एक मैसेज है कोविड के दृष्टिगत की कोविड से लोगों को कैसे जागरूक करना है उसके दृष्टिगत लोक पंचायत द्वारा ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जैसे आप सब विदित है कि लोक पंचायत पिछले 4 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये कार्यक्रम आज विकास नगर में आयोजित किया गया है। तो पिछले 4 साल में जैसे कि KS चौहान जी ने बताया है बहुत सारे काम शुरू किए हैं। एक ऐसे हैं जो कि पहली बार शुरुआत हो रही है बहुत सारे कामों की। अभी की अगर बात करें ये मोटरसाइकिल रैली जिसमें कि 100 से 200 मोटरसाइकिल जा रही है पूरे शहर में जाएगी, ये एक ऐसा टाइम है जबकि कोविड लोग सोच रहे हैं कि शायद ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं। अभी केरला की बात मैं लूँ तो केरला में जैसे ही ओनम खत्म हुआ, फेस्टिवल खत्म हुआ, उसके बाद 126% कोविड के केसेस बढ़ गए थे। यहाँ भी आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो ये ऐसे टाइम पे इन्होंने कोविड का जो ये शुरू किया है, जो पहल की है, वो सचेत कराना है लोगों को कि अभी गया नहीं है। कम संख्या जरूर हो रही है लेकिन इसको बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा अगर सतर्कता ना बदले। अभी के लिए इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।